हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑटो एक्सट्रीम। आज हम बात करने वाले हैं बिकॉज बीएट के बारे में। बिकॉज बीएट इज़ एन इलेक्ट्रिक स्कूटर। मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर के कई सारे हायर वेरिएंट्स भी मिलते हैं, जैसे एथर 450X, बजाज चेतक एक्सेट्रा। और फिर बाद में मिडल सेगमेंट आता है जिसमें बिकॉज बीएट जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी पावर, रेंज टेस्ट, प्राइस और बाकी सब कुछ, जिससे आपके दिमाग में आने वाले थोड़े बहुत क्वेश्चंस के आंसर क्लियर हो जाएंगे। चलिए पहले बिकॉज बीएट के डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो देखने में काफ़ी स्टाइलिश लगती है, काफ़ी स्लिक लुकिंग है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है। इसका लुक काफ़ी अच्छा है, रोड पर जब भी आप इसे चलाते हो तो ये सबका अटेंशन ग्रैब कर लेती है। इसकी डिज़ाइन पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। आपको हर जगह कुछ ऐसे फिनिशिंग टचेस मिलेंगे जिस वजह से ये काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी फ्रंट से। इसमें आपको कंप्लीट LED हेडलाइट्स मिलते हैं। इसकी डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन लगती है। इसमें आपको 4 DRLs भी मिलते हैं जो काफ़ी स्टाइलिश लगते हैं। और इसमें आपको स्मोक्ड आउट हेडलाइट जैसी लुक देखने को मिलेगी। नाइट में इसका थ्रो डिसेंट सा है। हेडलाइट के ऊपर आपको पियानो ब्लैक फिनिश का एक बैंड दिया है। ऑफकोर्स ये इस वाइट कलर के साथ काफ़ी कॉन्ट्रास्ट होता है। इसके मिरर्स ब्लैक और एल्यूमिनियम के फिनिश के साथ आते हैं और स्टॉक्स भी एल्यूमिनियम के दिए हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते हैं। यहाँ पे बिकॉज का लोगो दिया है। इसमें आपको LED इंडिकेटर्स मिलते हैं और इसकी डिज़ाइन भी Y पैटर्न से मिलती है, जो आपको गाड़ी पे कई सारे जगह पर देखने को मिलेगी। इंडिकेटर्स के साथ आपको यहाँ पे क्रोम इंसर्ट्स देखने को मिलेंगे, जो इसकी स्टाइल और बढ़ा देती है। इसका मडगार्ड थोड़ा सा रेट्रो स्टाइल में बना है और इसके फ्रंट और रियर में आपको 10 इंच के अलॉयज देखने को मिलेंगे, ये भी काफ़ी अच्छे है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक लगा है, वैसे इसके रियर व्हील में भी डिस्क ब्रेक मिलता है। इसमें आपको कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। अब देखते हैं इसके साइड पैनल पे, तो आपको ये पूरा वन पीस यूनिट मिलता है। इसमें आपको कहीं पर भी ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा। और आप यहाँ पर ये Y पैटर्न देख सकते हो, ये क्रोम इंसर्ट है जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसका फुटबोर्ड काफ़ी हाइट पर और विड्थ में भी काफ़ी छोटा है। अगर आप हाइटेड हो तो आपको इसकी सीटिंग पोजीशन थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल फील हो सकती है। ये फुटबोर्ड थोड़ा सा ऊंचा है क्योंकि इसमें आपको 2 बैटरी ऑप्शंस मिलते हैं। एक है लिथियम आयन बैटरी जो रिमूवेबल है जो इस गाड़ी में, और एक है लीड एसिड बैटरी। लीड एसिड बैटरी की प्लेसमेंट यहाँ पे फुटबोर्ड के नीचे प्लेस की जाती है, इसलिए इसकी हाइट थोड़ी सी ऊपर है। यहाँ पर भी आपको बिकॉज का लोगो मिलता है और आपको यहाँ भी Y पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम फिनिश में साइड स्टैंड दिए और मिरर्स के साथ ये मैच करते हैं, और पिलियन के फुट रेस्ट यहाँ पर नीटली टकिन होते हैं। दैट्स अ रियली नाइस टच। यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है जहाँ से आप गाड़ी चार्ज कर सकते हो, या फिर एक दूसरा ऑप्शन भी है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। यहाँ पर बिकॉज बीएट की बैजिंग दी है। सीट्स की बात करें तो ये डिसेंट साइज़ की सीट है और इसमें आपको काफ़ी अच्छी कुशनिंग भी मिलती है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया है जो थोड़ा बड़ा यूनिट है। सीट के नीचे काफ़ी अच्छी स्टोरेज स्पेस मिलती है। इसमें आपका हाफ हेलमेट भी अच्छे से फिट हो जाता है और आपके शॉपिंग बैग्स और बाकी सब कुछ इसमें आप इजीली कैरी कर सकते हो। इसमें आपको इनफ अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस मिलती है और इसकी बैटरी यहाँ पे इसके नीचे नीटली प्लेस्ड है। अगर आप बिल्डिंग में रहते हो और नीचे कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं है तो आप इस बैटरी को निकाल के अपने साथ घर पर ले जा सकते हो और उसे वहाँ पर चार्ज कर सकते हो, ये उसका प्लस पॉइंट है। यहाँ पे इसका मेन स्विच है जिससे आप गाड़ी को स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हो। फिर आते हैं इसके बैक प्रोफाइल पे, तो इसकी टेल लाइट एक 1 कंटिन्यूस यूनिट है जिसमें आपको इंडिकेटर्स भी देखने को मिलेंगे और ये कम्प्लीटली LED यूनिट है। टायर के ऊपर एक बड़ा मडगार्ड दिया है विच इज़ वेरी हेल्पफुल इन रेनी सीजन। व्हील के साइड में आपको ब्लैक कलर के पैनल देखने को मिलेंगे जिसमें आपको थिक क्रोम इंसर्ट देखने को मिलेगी जो इसे थोड़ा और स्टाइलिश बनाता है। और इसमें आपको बॉश की मोटर मिलती है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। इसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। बस इसमें एक दिक्कत है, ये बॉट डीम है। जब भी आप इसे डेलाइट में चलाते हो तो इसको रीड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर रात में ये काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर रेडी लिखा हुआ है, उसके नीचे टाइम दिखाता है, उसके नीचे टेम्परेचर और यहाँ पर बैटरी लेवल इंडिकेटर दिया है। यहाँ पे इस सर्कल में आपको स्पीडोमीटर दिया है
उसके नीचे किलोमीटर्स और यहाँ पे गाड़ी के मोड्स पता चलते हैं। लेफ्ट साइड में आपको हाई बीम और लो बीम के स्विचेस दिए हैं और यहाँ पे इंडिकेटर्स के, ये सिल्वर कलर के सराउंडिंग के साथ और भी अच्छे लगते हैं। यहाँ पे हॉर्न और रिवर्स का बटन दिया है। अगर आपको गाड़ी रिवर्स करनी है तो आपको इसे प्रेस करना है और ट्रॉटल देना है, जिससे आपकी गाड़ी रिवर्स हो जाएगी। हैंडल बार काफ़ी अच्छी ग्रिप देता है और यहाँ पे भी आपको सिल्वर टच दिया है। फिर यहाँ पे राइट में हैजर्ड लैंप स्विच दिया है, जिससे आपके सब इंडिकेटर साथ में ब्लिंक करेंगे। यहाँ पे फ्लैश का बटन दिया है, इससे आपको जब भी ओवरटेक करना हो तो ये आपकी स्पीड थोड़ी इंक्रीज कर देता है। और ये लाइट्स के स्विच DRLs ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ से आप गाड़ी के मोड्स चेंज कर सकते हो। इसमें आपको 3 मोड्स मिलते हैं। और ये M बटन डमी बटन है, यहाँ भी आपको स्टोरेज स्पेस दी गई है, इसमें आप आपका फ़ोन या कोई छोटी चीज़ रख सकते हो। और ये USB चार्जर है, जिससे आप आपका फ़ोन चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे हुक दिया है और हुक के बाजू में भी सिल्वर सराउंडिंग दी है, अटेंशन टू डिटेल सीम्स गुड ईयर। और यहाँ पे की स्लॉट है, इसमें आपको कीलेस गो फीचर भी मिलता है, ऐसी कुछ इसकी की है। यहाँ से इसे आप लॉक या अनलॉक कर सकते हो, और अनलॉक करने के बाद ये गो बटन दबा के इसे आप बिना की के यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके राइडिंग क्वालिटी की और बाकी सब स्पेसिफिकेशंस की। तो बिकॉज एक इंडियन कंपनी RR ग्लोबल्स की सब्सिडरी कंपनी है, बिकॉज बीट इज़ पावर्ड बाय 1900 वॉट्स बॉश मोटर, जो 94.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। इसकी मोटर काफ़ी अच्छी है, काफ़ी टॉर्की नेचर है, तो जब भी आप एक्सीलरेट करते हो तब ये इनिशियल स्पीड कैच करती है, विच मेक्स इट मोर फन टू राइड। इसमें आपको 3 मोड्स दिए हैं। फर्स्ट मोड में चलाते हैं तो इसकी टॉप स्पीड 36 किलोमीटर पर आर की मिलती है, जिसमें ये 70 किलोमीटर की रेंज कवर कर लेती है। सेकेंड मोड में आपको 42 किलोमीटर पर आर की स्पीड मिलती है और 60-65 किलोमीटर का रेंज कवर कर लेती है। और थर्ड मोड में इसकी टॉप स्पीड 48 किलोमीटर पर आर की है, जिसमें ये 50-55 किलोमीटर के आसपास रेंज कवर कर लेती है। बहुत से लोगों को ये सवाल आता है कि ये बारिश में चलेगी या नहीं, तो ये फुल्ली वाटरप्रूफ है, आप इसे बारिश में भी चला सकते हो। इसमें आपको 120 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी दी गई है, इसकी लोड कैपेसिटी 130 kg की है। चलने में काफ़ी स्मूथ है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली चलाने में। मोटर भी इसकी काफ़ी साइलेंट है, इसलिए चलाते समय कोई आवाज़ नहीं आती, इट फील्स वेरी स्मूथ टू ड्राइव। हैंडलिंग की बात करें तो इसमें आपको हैंडलिंग इतनी अच्छी नहीं मिलती है, काफ़ी जल्दी ये स्कूटर डाइव करती है, इसलिए आप इस पर फन टाइप राइडिंग नहीं कर सकते, आपको इसे चलाते समय थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। पर रेगुलर टाउन या सिटीज के लिए ये काफ़ी अच्छी है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल फॉर डेली कम्यूट्स। इसके सस्पेंशन की बात करें तो इसके सस्पेंशन काफ़ी अच्छे है, ये ज़्यादा स्टिफ नहीं है, इसलिए ख़राब रोड पे भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये काफ़ी सॉफ्ट है, इसलिए आपको चलाते समय अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। इसकी ब्रेक्स की बात करें तो दोनों फ्रंट और रियर में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, ब्रेक्स भी डिसेंट है। इसमें आपको CBS ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसको कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम कहा जाता है। इसकी स्टॉपिंग पावर भी अच्छी है, इसमें आपको कई सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे एंटी थेफ्ट मोटर लॉकिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म, साइड स्टैंड सेंसर, रिमोट लॉक अनलॉक, पुश बटन स्टार्ट, फाइंड योर व्हीकल एक्सेट्रा, ये सारे फीचर्स इसे स्मार्ट स्कूटर बना देती है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसमें आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। बेस वेरिएंट जो लीड एसिड बैटरी के साथ आता है उसकी प्राइस है 63,000, मिड वेरिएंट जो लिथियम आयन बैटरी के साथ आता है उसकी प्राइस है 83,000, और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट विच इज़ लिथियम आयन टेक्नोलॉजी वेरिएंट उसकी प्राइस है 89,000 रुपीज़। वैसे भी आप पेट्रोल के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो बिकॉज बीट डेली कम्यूट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहते हो देन यू मस्ट चेक इट आउट। तो गाइस ये थी हमारी बिकॉज बीट की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही ऑटोमोबाइल रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू एंड बाय।